खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं। मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, ये बताने का पति में दम नहीं है। अंबाला के एक घर के बाहर बोर्ड टंगा था, पत्नी को वश में करने की ताबीज यहाँ बनवाइए, और घर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। लाइन में लगे 2 पतियों की बातचीत। पहला, मुझे 2 घंटे पहले ही दोस्त ने फ़ोन करके ये जगह बताई। भाई साहब 27 किलोमीटर दूर से भागा भागा आया हूँ, राजपुरा में रहता हूँ। दूसरा, मैं तो इसी घर में रहता हूँ भाई साहब, पर पता नहीं साला ये बोर्ड कौन टांग गया और लाइन वाले मुझे आगे जाने नहीं दे रहे। पत्नी, सिगरेट मत पिया करो, दूर से ही दुर्गंध आती है। पति ने सिगरेट छोड़ दी। पत्नी, पान मसाला मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। पति ने पान मसाला भी छोड़ दिया। पत्नी, गाड़ी धीरे चलाया करो, क्यों जान जोखिम में डालते हो। पति ने गाड़ी तेज चलानी छोड़ दी। आप बाल साइड से बनाया करो, पति ने वैसे ही बाल बनाने शुरू कर दिए। आप पर पीला, सफ़ेद और हरा रंग बिल्कुल नहीं फबता। पति पत्नी के लाए रंग के ही कपड़े पहनने लगा। और 2 साल के बाद एक दिन पत्नी बोलेगी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल बदल गए हो। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल में देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चोंग चो जा, और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने के लिए चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला। मेहमान, साहब हैं? नौकर, जी नहीं, वह शहर से बाहर गए हैं। मेहमान, क्या छुट्टी एंजॉय करने गए हैं? नौकर, नहीं, मेम साहब साथ गई हैं।